नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 इंग्लिश सब्जेक्ट की OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 की। OCR आधारित फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 पे कार्य कैसे करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थी अपनी NICID लिखेंगे और यहाँ पे नाम दर्ज करने के उपरांत प्रश्न करेंगे। इस यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए, इनमें से करेक्ट कौन सा उस पर टिक लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज़ रनिंग। फिर अगले में टिक द सेंटेंस विद करेक्ट, जो मार्क्स का प्रयोग हुआ सही, क्वेश्चन वाचक या पुलिस स्टॉप सही प्रयोग करके कौन सा वाक्य सही होगा, तो वो होगा 3 नंबर, आई लाइक मैंगो जूस। अगले में आपको रीड द दिस सेंटेंस केयरफुली और टिक द एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव कौन कौन से प्रयोग हुए उसका टिक लगाना, जैसे एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन सा प्रयोग किया गया है, तो बिग है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे ब्लैक है वो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। फिर अगले में आपको पैसेज दिया छोटा सा, मनु हैज़ 4 बैग्स, 1 इज़ ब्लैक, 1 इज़ रेड, 1 इज़ ब्लू एंड 1 इज़ ब्राउन इन कलर, द रेड बैग हैज़ वाइट डॉट्स। इस तरह से फिर 5वां प्रश्न दिया गया है, बैग के ऊपर डॉट्स कैसे से रेड बैग्स, ठीक है। फिर अगले में हाउ मैनी बैग्स डज मनु हैव, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर 7वें में वॉट इज़ कलर ऑफ द डॉट्स, तो यहाँ आ जाएगा वाइट। फिर यहाँ पे करेंगे ए का प्रयोग होगा इसके आगे, यहाँ पे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। फिर 9वें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान में एप्पल्स आएगा और 10वें में बुक्स लिख करके इस वाक्य को पूरा करेंगे। इस तरह से आपको OCR आधारित इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को कंप्लीट करना है। ऐसा ही आपके अक्टूबर माह के अंत में आयोजित होगा जो OCR आधारित फॉर्मेटिव होगा, वो समेटिव असेसमेंट होगा प्रथम। तो इस तरह से आप इसमें कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।